नमस्कार किसान साथियों, आपका स्वागत है ओनली फार्मिंग यूट्यूब चैनल में और मैं आपका दोस्त देवेंद्र सिंह। किसान साथियों, आज हम आए हैं आपके लिए एक और नई फसल के बारे में वीडियो लेकर के, और उसकी जानकारी आपको देंगे हमारे नीमच कृषि विज्ञान केंद्र पर हम आए हैं और हम आपके लिए उसके अंदर जानकारी देंगे आपको अश्वगंधा की फसल के बारे में। किसान साथियों, आज आपको अश्वगंधा के ऊपर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ में है नीमच कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सीपी पचौरी सर। सर, सबसे पहले मैं चाहूंगा आप हमारे किसान साथियों को एक बार आपका परिचय दे दें। किसान साथियों नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सीपी पचौरी है। मैं कृषि विज्ञान केंद्र नीमच, जो राजमाता विजयराज सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के संस्थान है, इसमें प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख के पद पर कार्य कर रहा हूं। और मेरा जो स्पेशलाइजेशन है उद्यानिकी से संबंधित है, विशेषकर औषधि और मसाले की फसलों के लिए। अभी आज के समय में अश्वगंधा की जो फसल है किसानों के बीच में बहुत ज्यादा प्रचलित भी हो गई है और हर कोई इसकी तरफ अट्रैक्ट भी है। तो सर, अगर हमारे कोई भी किसान साथी अश्वगंधा की फसल लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले कि किस तरीके से उनको खेत की तैयारी करनी चाहिए और कौन सी मिट्टी के अंदर उनको इसके लिए प्लान करना चाहिए? जैसा कि आपने प्रश्न किया है कि जो आज अश्वगंधा की अगर हम खेती की बात कर रहे हैं, कारण क्या है कि आज के समय की जो हमारी खेती है आधुनिक रूप ले चुकी है और खेती को आर्थिक स्थिति से जोड़ दिया गया है सीधा सीधा। तो खेती को अगर लाभकारी बनाना है, और दूसरी तरफ हम देखें कि हमारे देश में जितनी भी पॉपुलेशन है, हर तीसरा आदमी दूसरा आदमी बीमारी से ग्रसित है। इसके लिए हमारे किसान भाइयों को अगर लाभकारी खेती करनी है तो उसके लिए औषधियों की खेती के ऊपर जाना होता है। और औषधि में विशेषकर जब हम बात करते हैं, सर्वोपरि हमारी सबसे बड़ी खेती है वो है अश्वगंधा की खेती। इस खेती में बहुत ज्यादा तकनीकी की आवश्यकता नहीं होती है। बेथेमिना सोमिनिफेरा इसका वानस्पतिक नाम है और इसकी खेती पूरे देश में कहीं पे भी की जा सकती है आसानी पूर्वक। कुछ बिंदुओं का विशेषकर ध्यान रखना है, क्योंकि ये अपने आप में ही इससे दवाइयां बनती हैं। इसके लिए ये जंगली अवस्था से किसान जो हमारे साथी थे या हमारे जो पुराने मजदूर वर्ग थे, वो कलेक्ट वहां से करके लाते थे और आके उसको वैद्यों लोगों को या कंपनियों को देते थे। लेकिन जब आर्थिक स्थिति की बात आई और बहुतायत में इसकी मांग बढ़ने लगी, तो ऐसी स्थिति में इसको कल्टीवेशन रूप में लेके आ गए हैं और इसकी भी कई किस्में जो हमारे मंदसौर उद्यानिकी महाविद्यालय से जो निकाल दी गई है, साथ ही लखनऊ से भी एक दो किस्म निकाली गई है। तो इसमें किसान भाइयों को ध्यान क्या देना है कि हम ये जो फसल है, क्योंकि ये वैसे तो बहुवर्षीय फसल है, लेकिन सामान्य रूप से जो इसकी खेती की जाती है खरीफ रूप में की जाती है, और जब इसका ज्यादा लाभ मिलने लगा तो हमारे नीमच जिले में, मंदसौर में, रतलाम में या मालवा में विशेषकर हमारे यहाँ किसान भाई इसकी खरीफ में खेती करते हैं, साथ ही रबी में भी खेती करते हैं। लेकिन रबी में जब खेती करते हैं तो उसके लिए लगभग 2 से 3 पानी की आवश्यकता होती है। ध्यान क्या देना है, क्यों इसमें 2-3 बिंदुओं पर विशेषकर किसान भाइयों को ध्यान देना होगा। पहला बिंदु जो इसमें समझदारी का है वो है कि इसमें किसी भी रासायनिक नीदानाशी का प्रयोग नहीं होता है, तो उसमें हाथ से निंदाई करनी होती है। इसका अल्टरनेटिव, क्योंकि खरीफ में बहुत ज्यादा खरपतवार होते हैं, तो उसके लिए किसान भाइयों को ध्यान रखना है कि इसकी जो बुवाई करेंगे, जो हमारे नीदा जो बीड्स उगते हैं, घास उगती हैं, वो लगभग फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड जो 3 फेस हैं, पहला होता है प्री मानसून अवस्था में, दूसरा होता है सामान्य मानसून के आने पे, और तीसरा होता है मानसून से लगभग 25-30 दिन के बाद। तो इसकी जो बुवाई का निर्णय लेना है किसान भाइयों को ध्यान देना है, जब मानसून की लगभग आधी बरसात हो जाए, यानी लगभग जुलाई के महीने का लास्ट हो जाए, और अगस्त 15 अगस्त के आसपास इसकी बुवाई करनी है, ताकि जो है उसकी जब बुवाई करेंगे, खेत तैयार करेंगे, तो पहले ही सभी जो है घास खत्म हो जाएंगी। साथ ही इसमें किसी रसायन की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ती, इसमें कीड़े बीमारी कुछ लगते नहीं है। इनपुट कॉस्ट इसकी बहुत ही कम आती है, तो जो भी पैदा होता है वो सीधा सीधा लाभकारी होता है। अब इसकी खेती कैसे करें, इसके लिए किसान भाइयों को ध्यान रखना है कि इसकी 10 किलोग्राम बीज लगभग प्रति हेक्टेयर के लिए पर्याप्त रहता है। एक हेक्टेयर की अगर बुवाई करनी है तो 10 किलोग्राम बीज पर्याप्त रहेगा। औषधि गुणों की अगर हम बात करें, मैंने पहले ही बता दिया कि इससे शक्तिवर्धक जो है दवाइयां बनती हैं, और ये ढेर सारे स्त्री पुरुषों के ढेर सारे जो रोग हैं शक्तिवर्धक हैं, मूर्छा है, चक्कर आना है, सिर दर्द है, तंत्रिका तंत्र है, हृदय रोग है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, इन जितने भी सभी बीमारियां, इन सभी में इसका प्रयोग जो है होता है। और इसके लिए आसानी पूर्वक इसके जो पाउडर है, जो पाउडर इसका जो मुख्य भाग है, जड़ वाला भाग, इसका औषधि के लिए प्रयोग किया जाता है। तो किसान भाइयों को अब खेत की जड़ चाहिए, तो इसके लिए खेत की मिट्टी को जो भुरभुरा करना होगा, अच्छे से करना होगा। लेकिन ध्यान ये भी देना, क्योंकि जड़ पार्ट है, जितनी जड़ मोटी होगी, जितनी उसमें रेशा कम होगा, उतनी उसकी कीमत ज्यादा होगी। तो ध्यान ये रखना है कि खेत की कभी भी गहरी जुताई करने की आवश्यकता नहीं होती।
जड़ वाला पार्ट हमारा मुख्य पार्ट है, तो इसमें किसान भाइयों को यह भी ध्यान रखना है कि जल भराव की स्थिति न हो, जड़ सड़न उसमें नहीं होनी चाहिए, जल निकास की उचित व्यवस्था हो, ऐसी जो खेत की मिट्टी जो है इसके लिए पर्याप्त रहती है। पीएच मान की जहां तक बात है तो 6 से लगभग 8 पीएच मान तक जो हमारा सामान्य मिट्टियां हैं उनमें इसकी खेती आसानी पूर्वक की जा सकती है। खेत तैयार करने के लिए एक दो बार हल्की जुताई कर लें और उसके बाद इसकी ब्रॉडकास्टिंग करनी है, यानी बीज को छिटक के बोने की आवश्यकता होती है और सघन बोना होता है। अगर आप दूर दूर कर देंगे तो उसी स्थिति में क्या है, इसमें ब्रांचिंग हो जाएगी, जब ऊपर ब्रांचिंग होगी तो नीचे जड़ों में भी ब्रांचिंग हो जाएगी, जड़ें पतली रह जाएंगी, ये विशेष का ध्यान रखना है, क्योंकि ये अपने आप में जंगली फसल है, इसकी आवश्यकता इसमें उर्वरकों की नहीं होती है, ज्यादा खाद वगैरह की आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी अगर खेत बहुत ज्यादा कमजोर है मिट्टी की जांच के अनुसार देख ले, तो ऐसी स्थिति में लगभग जो 20 से 25 टन पकी हुई सड़ी हुई गोबर की खाद डाल दें, खेत जुताई करके बाद इसके बीज की ब्रॉडकास्टिंग कर दें और हल्का कोई भी जैसे करी चला दें या हल्का कोई भी खार्चा चला दें, उसको बीज को बीज पे लगभग 2 से 3 गुना जो बीज का साइज है उतनी मिट्टी चढ़ जाए और उसके बाद छोड़ देना है। मानसूनी समय रहता है तो ऐसी स्थिति में अपने आप ही इसमें अंकुरण हो जाता है, लगभग 18 से 20 दिन में फसल जो है अंकुरण ले जाती है, और अंकुरण लेने के बाद इसमें 2 बार हमको निदाई करनी होती है और उसके साथ साथ ही हम इसकी छनाई भी कर देते हैं, क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग करते हैं तो ऐसी स्थिति में पौधे कहीं पास पास हो जाते हैं, तो इसमें किसान भाइयों को ध्यान रखना है कि पौधों को जब भी निदाई कर रहे हैं पहली बार दूसरी बार, लगभग पहली निदाई करते हैं 18 से 25 दिन के बीच में और दूसरी करते हैं 45 से 40 दिन की अवस्था में, ऐसी स्थिति में जहां सघन पौधे हैं उनको निकाल दें और इसके बाद छोड़ दें, इसमें कोई कीड़ा बीमारी वगैरह आता नहीं है, मानसून चलता रहता तो अपने आप में ये वानस्पतिक वृद्धि लेती रहती है। अगर किसान भाई इसकी खेती में दो पार्ट आजकल किसान भाई करने ले, एक तो है जड़ का उत्पादन लेने के लिए, जब जड़ का उत्पादन लेना होगा तो उसमें जड़ हमेशा सबसे प्रौढ़ होगी, सबसे ज्यादा उसकी कीमत मिलेगी उस समय जब उस पर फूल आ जाएगा लेकिन फल नहीं बन रहे, एक दो कहीं फल बनता है उसी समय पौधे में जो सिंचाई बंद कर दे या नमी कम कर दे और उसके बाद इसकी सूखे में खुदाई करनी होती है, ये विशेषकर ध्यान रखना है। अगर पानी सिंचाई करने के बाद अगर खुदाई करेंगे तो ऐसी स्थिति में जड़ें जो हैं इसकी काली पड़ जाती है, तो ये सेकंड जो ध्यान देने वाली बात है कि पौधे को हमेशा खुदाई सूखी अवस्था में करना है, खुदाई करने के तुरंत बाद साथ ही साथ में जो जड़ और तने वाला पार्ट है उन दोनों को अलग अलग कर देना है, जड़ों को अपने छायादार जगह पर सुखाना है और सूखने के बाद जब वो बिल्कुल सूख जाती है तो उसके बाद हल्का डंडा मार के और उसको पीट देते हैं, क्योंकि सूखे में खुदा तो मिट्टी चिपकेगी नहीं, और ऐसी स्थिति में जब उससे लकड़ी के डंडे से थोड़ी सी पिटाई करते हैं या बहुत ही हल्के आरपीएम पे उसको थ्रेसिंग करने की वैसे आवश्यकता नहीं होती, लेकिन आजकल जो हमारे जुगाड़ सिस्टम से लोगों ने कुछ थ्रेसिंग भी करने लगे साइनिंग लेने के लिए, अन्यथा डंडा मारेंगे तो हमारी जो जड़ वाला पार्ट है उसके 3-4 पार्ट हो जाते हैं, पहला जो सबसे मोटी मोटी जड़ें होंगी वो एक तरफ हो जाएंगी, सेकंड जो पार्ट आएगा वो हो जाएंगी मध्यम जड़ें अलग हो जाएंगी, और तीसरा पार्ट में जो बिल्कुल बारीक तंतु हैं या सेकेंडरी रूट है वो अलग हो जाएंगी, और इसके बाद चौथा पार्ट है वहां कुछ रेत टाइप का मिट्टी टाइप का कचरा जैसा रहेगा, इन चारों ही जो ग्रेड हैं इनकी कीमत मिलती है और इसके लिए एशिया की सबसे बड़ी हमारी औषधि और मसाले की मंडी है अपने नीमच में है, उसमें इनकी जिन्स ट्रक के हिसाब से बिक्री होती है, तो ये जड़ की कीमत जो है ए ग्रेड जो मोटी मोटी जड़ें हैं, बी ग्रेड जो सेकेंडरी जड़ है, सी ग्रेड जो बिल्कुल बारीक तंतु हैं, और डी ग्रेड में इसका जो रेत टाइप का बन जाएगा उसका जो भाव मिलता है और उसकी मुख्य कीमत रहती है। इसके बाद जो ऊपर वाला भाग रहता है उसको भी पंचांग के रूप में वो भी दवाओं में काम आता है, तो वो भी विक्रय होता है, उस पूरे को सुखा ले, सुखाने के बाद किसी भी थ्रेसर में थ्रेसिंग करते हैं और जो भूसा के रूप में जो मटेरियल आएगा वो भी मंडी में विक्रय होता है। इसके साथ ही साथ क्या होता है कि अगर हमको बीज उत्पादन लेना है तो उसी खेत में ऐसे ही खड़े रहने देंगे, उस पर आगे बीज आते जाएंगे और जब पूरी फसल परिपक्व हो जाएगी पक जाएगी जो उसमें फल बन जाएगा उसके बाद उसकी कटाई कर लें, सुखा लें, उसको सुखाने का वही प्रक्रिया होगी, जड़ को अलग काट दें, ऊपर वाले पार्ट को अलग करते हैं, लेकिन इस तरह की जो जड़ें होती हैं जब बीज उत्पादन ले रहे हों तो जड़ के पार्ट में हमारी थोड़ी सी रेशा बन जाता है और उस रेशा की वजह से कीमत जो है उसकी थोड़ी सी कम मिलती है, और लेकिन इस स्थिति में लगभग किसानों को बीज की मात्रा जो है प्राप्त हो जाती है, और अगर हम इसकी सामान्य बात करें तो लगभग 6 से 8 क्विंटल तक जो है हमारी जड़ें जो है आसानी पूर्वक मिल जाती हैं, साथ ही साथ जो है लगभग 1 से 2 क्विंटल के करीब बीज भी जो है किसान भाइयों को मिल जाता है, और इस तरह से ये हमारी लाभकारी खेती है।
किस्मों की बात करें, पुराने समय में हमेशा विशेषकर जंगली अवस्था से लाते थे, लेकिन जब से नई किस्में निकाल दी है, जैसे जवार अश्वगंध 20, जवार अश्वगंध 100, जवार अश्वगंध 134, इसी तरह से एक लखनऊ से पुष्टि करके वेराइटी निकाली है, ये सब किस्मों का जो है प्रचलन चल रहा है। इसके साथ ही साथ आधुनिक समय में किसान भाई एक काम और करने लगे हैं जिसकी थोड़ी सी मांग बढ़ गई है, इसकी पत्तियों का कलेक्शन करके, पत्तियों का भी कलेक्शन करते हैं, उससे भी जो आसवन विधि है उससे तेल निकाल के वो ऑयल भी जो है इसका विक्रय में प्रयोग होने लगा है। तो अश्वगंधा एक अपने आप में ऐसी अच्छी फसल है और सॉलिड फसल है कि जिसमें रिस्क बहुत ही कम है, और लगभग किसान भाई अगर सामान्य में इसकी मेन कीमत जो रहती है वो जड़ वाले पार्ट की रहती है, और ये जो कीमत है ये कभी एक समान नहीं रहती है, मांग के अनुसार जितना माल आता है या कंपनियों के द्वारा जितनी उपभोग की जरूरत होती है उसके अनुसार इनकी घटती बढ़ती रहती है, लेकिन फिर भी एक एवरेज की अगर बात करें न्यूनतम वे में जैसे 40,000 से 45,000 उनको मिल जाते हैं, जिसमें कि आपको कुछ भी नहीं करना, खराब से खराब स्थिति रहती है कीमत जब न मिल रही हो, लेकिन अगर इसी के रेट हमारी जड़ों के अच्छे मिल जाते हैं तो लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर तक भी नेट प्रॉफिट किसानों को यहाँ पे किसान भाई कमा रहे हैं। तो इस तरह से मेरा आप किसान भाइयों से आग्रह रहेगा कि आज के समय में सोयाबीन मक्का या जो सामान्य हमारी फसलें हैं उनके अल्टरनेट के रूप में हमारे पास अश्वगंधा एक ऐसी फसल है जो कम तकनीकी से कम लागत में और आसानी पूर्वक कहने से किसान भाई कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। सर ये तो आपने पूरी इसके बारे में जानकारी दे दी, अब मैं चाहूंगा कि सर कि अगर जैसे हमारे किसान साथी लगाते हैं तो कई जगह हमने ये सुनने में आया है कि और देखा भी है कि उनके वहां पर इसमें बिल्डिंग की प्रॉब्लम आती है और इसके अंदर कहीं कहीं जैसे इसमें जैसे हमें बोलचाल की भाषा में मोइला बोलते हैं उसकी शिकायत कुछ मिलती है, तो उसकी स्थिति में क्या करना चाहिए? देखो वैसे तो अपने आप में ही अश्वगंधा हमारी जंगली अवस्था की फसल है, अपने आप में ही एक तो इसमें कोई कीड़े बीमारी नहीं आते, लेकिन फिर भी विषम परिस्थितियों में होता क्या है कि जब हमारे नजदीक में मान लो जैसे विशेषकर रवि सीजन में मोला की जब बात करते हैं तो जब साथ में हमारे सरसों की मस्टर्ड की खेती किसान भाई के पास लगी हुई है तो ऐसी स्थिति में वो उड़ के इसके पास आ जाता है। तो जहां पे मोला की अधिकता की अगर स्थिति दिखाई देती है, वैसे होती नहीं है लेकिन बीज उत्पादन कभी ले रहे हो या विशेषकर सर्दी वाली फसलों में कभी कभी जब बहुतायत में एफिड का अटैक होता है तो कई स्थिति थे, तो इसके लिए जो हमारी रस चूसक कीड़ों के लिए सामान्य वे में, क्योंकि ये अपने आप में औषधीय फसल है तो रसायन पे हमको नहीं जाना चाहिए, रसायन पे बिल्कुल लास्ट मोमेंट की स्थिति है कि उस समय हम रसायन पे जाएं, अन्यथा जैसे नीम ऑयल वगैरह है उसका अगर स्प्रे करते हैं तो उसको नियंत्रित कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ दूसरी एक कई बार समस्या आती है अधिक पानी की वजह से, जब खेत में जलभराव की स्थिति हो या किसान भाई अत्यधिक पानी दे देते हैं, लगातार पानी पे पानी पिलाते रहते हैं, ऐसी स्थिति में जड़ गलन की भी समस्या आती है। तो मेरा किसान भाइयों से आग्रह रहेगा कि ऐसी स्थिति में किसान भाई ध्यान रखें कि जल निकास की व्यवस्था करें खरीफ जब बरसात की फसल ले रहे हैं तो, और सर्दी वाली फसलों में पानी जो है नियंत्रित ही, ज्यादा पानी देने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल हल्का पानी पिलाएं और कोशिश ये करें कि ढालू खेत हो, जो बिना मतलब का खेत हो, ऐसे जमीन में इसकी खेती करेंगे तो लाभकारी रहे। अब एक और हमारा प्रश्न था कि जो हम यहाँ पर अधिकतर देखते हैं कि इसके अंदर हार्वेस्टिंग का जो समय होता है वो उसके अंदर बहुत सारा किसानों के अंदर अलग अलग उनकी धारणाएं बनी हुई है, तो इसका सबसे अच्छा समय कौन सा होता है? अश्वगंधा की खेती के लिए जहां तक आपने बात की है इसकी, मैंने बताया ना दो प्रकार से खेती करते, एक होती है बीज उत्पादन के लिए, बीज उत्पादन के लिए जब किसान भाई खेती कर रहा है तो उस स्थिति में मेरा टारगेट रहेगा बीज कितना मिल जाए, जैसे मैंने बताया ना कि लगभग 1 से 1.5 क्विंटल 2 क्विंटल तक हमको प्रति हेक्टेयर बीज मिल जाता है, तो जब बीज उत्पादन कर रहा हूँ उस समय मेरे को जड़ का जो उत्पादन है वो सेकेंडरी रूप में चला जाएगा और उस समय मेरे को जड़ की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, जब मेरा लगभग 75 से 80% उसके फल जो है पक जाए, और वो स्थिति आती है जब मेरी फसल जो बिल्कुल पत्तियां पीली पड़ जाएंगी और ऊपर वाले फल सूखने लगेंगे उस समय इसके हार्वेस्ट करने। दूसरा एक टारगेट है मेरा, मुख्य फोकस है जड़ उत्पादन के लिए जो इसकी के दवाओं के लिए प्रयोग होता है जिसकी ज्यादा कीमत मिलती है, तो जड़ उत्पादन के लिए जब हम खेती कर रहे हैं तो उस स्थिति में हमको ध्यान रखना है कि जैसे ही हमारी फसल पे लगभग 5 से 10% जिस पे फल आ जाए, यानी फूल आएगा फूल से 5-10% के आसपास ही फल बने, उस समय उसकी जो है पानी सिंचाई बंद कर दें और उसकी खुदाई कर लें। खुदाई हमेशा ध्यान ये रखना है कि कीमत लेने के लिए हमेशा सूखे में करने की आवश्यकता है, सिंचाई करके अगर हम खुदाई करेंगे तो जड़ों पर जो है काली पड़ जाती है। सर हमारे जो वीडियो देखने वाले जो भी दर्शक हैं अगर उनमें से कोई भी अश्वगंधा का बीज अभी आगे खेती करना चाहता है तो उसको बीज कहाँ से मिल सकता है
जहाँ पर उसको अच्छी क्वालिटी का मिल जाए। हाँ देखो, जहां तक बीज की उपलब्धता की बात है तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इसके लिए हमारा जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय और राजमाता विजयराज सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर, इन दोनों के तहत जो हमारा क्षेत्र है विशेषकर औषधि और मसाले को लेकर, ये हमारा उद्यानिकी महाविद्यालय मंदसौर है, यहाँ से हमारी 3 किस्में जो है निकाली गई हैं, उन तरह से हमारा मुख्य स्रोत है। इसके साथ ही साथ जो से औषधि संस्थान हमारा लखनऊ में है उनके पास से इसकी जो है बीज जो है मिल सकता है। जहां तक सामान्य वे में अभी इतनी दूर कोई किसान नहीं जाएगा तो मैं बताना चाहूंगा कि अगर किसान भाई इसकी खेती करना चाहते हैं तो आसानी पूर्वक नीमच में ढेर सारे हमारे जो औषधि मंडी है उसके आसपास जो हमारे डीलर्स हैं उनके पास मिल जाएगा। हमारे यहाँ किसान जैसे बहुत आदमी हजारों की संख्या में हमारे किसान हैं, उन किसानों से बीज ले सकते हैं। बीज वही है, उसको छांट फटक के साफ करना है, अच्छा हो, शुद्ध हो और लेटेस्ट हो। लेटेस्ट से मेरा मतलब है कई साल पुराना अगर बीज होगा तो उसकी अंकुरण की क्षमता थोड़ी सी दिक्कत करती है। तो किसान भाई ध्यान रखें कि जब भी बीज रहें पिछले वर्ष का ही बीज होना चाहिए ताकि उसका अंकुरण अच्छा हो। सर, आपने हमारे किसान साथियों को बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी और आपने अपने बिजी शेड्यूल में से आपने हमें समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। किसान साथियों, अगर आपको अश्वगंधा से संबंधित अगर और भी कोई जानकारी चाहिए हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं और सर के नंबर हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हम प्रोवाइड कर देंगे, आप वहां से सर के नंबर भी ले सकते हैं और उनसे आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं। किसान साथियों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आप लाइक के अंदर बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, आप लाइक दबा करके करें और नीचे लाल कलर के अक्षरों में सब्सक्राइब बटन लिखा है आप वहां पर भी दबा करके उसके साथ पास में लगे बेल आइकन को भी, घंटी के निशान को जरूर दबाएं। और किसान साथियों, अभी तक हमने जो देखा है कि हमारे वीडियोस के अंदर व्यूज तो बहुत सारे आ रहे हैं लेकिन वो उसमें अधिकतर उसमें सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो साथियों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद किसान साथियों। जय हिंद, जय भारत।